टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें, बाढ़ग्रस्त इलाका जो कोकण है वहां पर लगातार मदद के लिए लोग पहुंच रहे हैं और आज मुंब्रा से भी एनसीपी पार्टी के इसी ऑफिस से, इसी कार्यालय से आज दो लॉरी मदद के सामान जो है यहाँ से भेजे गए हैं। इस मौके पर यहाँ पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाट ने इसे झंडी दिखाकर यहाँ से दो लॉरी खाने पीने की सामान को यहाँ से रवाना किया। और साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ में यहाँ से मेडिकल की टीम भी, 12 डॉक्टरों की मेडिकल की एक टीम है और दवा है, एम्बुलेंस जो है यहाँ से भेजी गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए जो मदद की अपील की जा रही है, इसको देखते हुए यहाँ से एनसीपी पार्टी की तरफ से जो मदद के लिए सामान भेजे गए हैं और ऐसी भी जानकारी यहाँ से दी जा रही है कि आगे भी यहाँ से मदद के लिए सामान को भेजा जाएगा। 12 डॉक्टरों की एक टीम है जो वहाँ पर लोगों के इलाज के लिए यहाँ से भेजी गई है, दवाएँ भेजी गई हैं, तमाम इलाज में इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण हैं वो भेजे गए हैं। और इसी तरह से आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाट ने जब राहत सामग्री को यहाँ से रवाना किया, उसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है और जो जिन्होंने इस राहत सामग्री को इकट्ठा किया, भेजने का काम किया, जिनका नाम है शमीम खान जो कलवा मुंब्रा विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस पर क्या कुछ जानकारी दी है। और डॉक्टर राउत जो 12 लोगों की टीम डॉक्टरों की गई है, उन्होंने भी जानकारी दी है कि 4-4 डॉक्टर जो है यहाँ से हमेशा बदली होते रहेंगे, लगातार उनका वहाँ पर नज़र बना रहेगा। और सैयद अली अशरफ भाई साहब ने भी इस राहत सामग्री को लेकर क्या कुछ कहा है। कांग्रेस की ओर से हम कोंकण के लिए जिस इलाकों में बाढ़ के वजह से, भारी बारिश की वजह से कुछ परेशानियाँ हैं, उनको छोटी सी मदद कर रहे हैं। हादसा इतना बड़ा है, थोड़ी मदद हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो भी उनको आवश्यकता है उसमें से थोड़ा सा भार हम उठा रहे हैं। हम यहाँ से 100 बॉक्स बिस्लरी के भेज रहे हैं, पानी के 1000 बॉक्स, फिर बिस्किट भेज रहे हैं हम लोग 15000, फिर हम ब्लैंकेट भेज रहे हैं 3000, चद्दर भेज रहे हैं 3000, चटाई भेज रहे हैं 700, एम्बुलेंस विद डॉक्टर और विद मेडिसिन, फुल पैक का मेडिसिन एम्बुलेंस, 12 डॉक्टर्स जा रहे हैं और एक ईसीजी मशीन विद टेक्नीशियन जा रहा है। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी आला लीडर शमीम खान साहब, हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक सैयद अली, इन सब लोगों ने इस पर ध्यान रखा था और आनंद परांजपे के नेतृत्व में हम ये भेज रहे हैं। कोंकण में पहली मदद परसों गई जो शायद किसी और शहर से पहले हमने मदद की, तो मदद का सिलसिला जारी रहेगा। और मैंने कल रात को पुरकर साहब से बात की, रफीकपुर पर, मौलाना रफीक पुरकर साहब से, और पहली ये सब गाड़ियाँ हमारे जाकिर साहब ले जो है वो लेके महाड़ पहुँचेंगे और कुछ कार्यकर्ता भी जा रहे हैं और फिर हर गांव में जाके जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं उनके हाथ में सौंपा जाए। सर, आप एक मिनिस्टर हैं, फिलहाल वहाँ पर जो है रास्ते बंद है, काफ़ी दिक्कतें हैं, घरों में 10-10 फीट से ज़्यादा कीचड़ है, तो सरकार की तरफ से क्या नियोजन फिलहाल वहाँ चल रहा है, उसकी क्या जानकारी देंगे सर? ऐसा है कि ये सब सरकारी जिम्मेदारियाँ हैं, सरकार पूरा शहर साफ करने में लगी हुई है, NDRF की टीम वहाँ पहुँची है, अभी तक बारिश अब थोड़ा सा खत्म हो गया है पर लेकिन कई जगहों पे बॉडीज नहीं मिली, तो पब्लिक दुख के साए में है और सरकार अपना काम जोरों से कर रही है। थाने महानगर पालिका ने भी 120 कर्मचारी वहाँ भेजे हैं और सबसे बड़ा ये घोषणा जो गृह निर्माण के विभाग से की गई कि तलिये नाम का गांव जो पूरा खत्म हो गया था वो पूरा एक अच्छा गांव करके उभारने के लिए
वहाँ 75 घर खड़े किए जाएंगे जो घर बहुत ही सुंदर रहेंगे, और फिर वहाँ और भी स्कूल बनाना, मेडिकल का डिस्पेंसरी, बालकों के लिए बालवाड़ी, और ऐसे समाज मंदिर, ऐसी सभी चीज़ें वहाँ बनाई जाएंगी। और इसकी जिम्मेदारी गृह निर्माण विभाग ने ली है, और जिसकी घोषणा मैंने स्वयं की है। मैं खुद मेरे अधिकारियों को लेके अगस्त महीने में वहाँ जाऊँगा, क्योंकि अभी फिलहाल सरकार के लोग जुटे हैं लोगों को बचाने में, कीचड़ दूर करने में। अगर हम वहाँ जाएंगे तो सरकार के लोग हमारे पीछे, मिनिस्टर साहब आए दौड़ते रहेंगे। इससे अच्छा है कि वहाँ जाना ही नहीं। जब पूरा माहौल शांत हो जाएगा, यहाँ से मदद भेजते रहो, यहाँ से मदद उनको करते रहो, पूरा माहौल शांत होने के बाद जाके उसका जायज़ा लेके फिर उनको मदद और कर सकते। भाई साहब, आज इन्फोरी ऑफिस से राहत सामग्री जो भेजी गई है, तो ये ठाली से भी भेजा गया था, यहाँ से भी भेजा गया है, और कोकण में भी राहत सामग्री जा रही है, लेकिन इसके अलावा और भी जो अन्य बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं उनके लिए भी आप लोग कुछ कदम उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जो है फिल वक्त कोकण को सख्त ज़रूरत थी। सांगली के अंदर भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, बाढ़ पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में भी आ रही है, लेकिन अभी वहाँ पर वो सिचुएशन नहीं हुई है, लेकिन कोकण में ये बड़ी सिचुएशन हुई है। तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से थाना से भी मदद गई है, यहाँ से कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान के नेतृत्व में ही बोलूँगा, शानू पठान हमारे, ये लोगों की तरफ से इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट और सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुमरा कलवा के, उससे ये अभी दो टेम्पू यहाँ उस तरफ भेजा गया है, दो लॉरी भेजी गई है जिसके अंदर काफ़ी सामान है, और उसके बाद एक एम्बुलेंस भी भेजी गई है जिसके अंदर दवाओं से पूरा भरपूर है, जैसा डायबिटीज़ है, कफ सिरप है, इस तरीके की दवाएं, और साथ में डॉक्टर राउत साहब के नेतृत्व में 12 लोगों की टीम, और ये कंटिन्यूटी हम बना के रखेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे उसको चेंज करके वो टीम रिटर्न आएगी, फिर डॉक्टर्स लोग की दूसरी टीम जाएगी, इस तरीके का हम लोगों का एक शमीम भाई मेरा और शानू का एक डिसीजन हुआ है कि इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, और जब तक ये ज़रूरत रहेगी जब तक हम लोग जो भी हो सकेगा हमारे शहर से, और हम लोग ने भी किया और शहर के बहुत से तमाम तंजीमें भी कर रही है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि वहाँ तक पहुँच जाना और लोगों तक वो सहूलत पहुँचाना। ये आज ये जो रिलीफ यहाँ से निकली है, इसमें यहाँ से कोकण के लिए निकली है, और इसको ले जाने के लिए साथ में हमारे साथी शुएब खान और इम्तियाज़ खान उर्दू, साकिब दाते, शाकिर शेख, मौलाना जाकिर साबले साहब खुद, ये कल रात में मंत्री जी ने बात किया था मौलाना रफ़ीक पुरकर साहब से और उनसे कोऑर्डिनेट किया था, और ये कहा था कि तकरीबन मैं अगर बताऊं तो बेहतर होगा क्योंकि इससे और भी लोगों को हौसला मिलता है। रफ़ीक कामदार साहब जी, बिस्लेरी की वाटर का जो बॉक्स है वो तकरीबन 1000 बॉक्स है, क्रीम बिस्किट्स है वो 15000 है, ब्लैंकेट है वो 3000 है, चद्दर है वो 3000 है, चटाई है वो 700 है, एम्बुलेंस विथ फुल पैक मेडिसिन भी है, 12 डॉक्टर्स की टीम डॉक्टर राउत साहब के नेतृत्व में है, और ECG मशीन विथ टेक्नीशियन राउत साहब ने ये भी एक इंतज़ाम किया है। ये आज मुमरा कोसा यानी इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से और सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आज इस सामान को यहाँ से रवाना किया गया है कोकण के लिए। जैसे आपने कहा कि आगे का क्या प्रोग्राम्स है, तो भाई साहब एक बात बताना चाहूँगा मैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे सरपरस्त हैं, कि ये जो आज सामान यहाँ से निकला है ये जाकर के मौलाना जाकिर साहब, मौलाना रफ़ीक साहब को ज़रूर मिलेगा, लेकिन रफ़ीक कामदार साहब वहाँ से जो ये हमारी टीम गई हुई है, शुएब खान और जो हमारे साथी इम्तियाज़ भाई और लोग गए यहाँ से आज, रफ़ी मुल्ला, आतिक कांचे, शाकिर शेख, महदर शेख, दाते, तो ये न वहाँ जा कर के खाली करेंगे अंजुमन दर्दमंदाने स्कूल में, जो रफ़ीक साहब का वो स्कूल है वहाँ साहब का, वहाँ से लिस्ट बनी हुई है, एक एक गांव में सामान पहुँचाया जाएगा। ये सामान सिर्फ जाकर के खाली करके वहाँ से नहीं आना है,
एक एक घर में, क्योंकि सैलाब के हालात आप तमाम लोग जानते हैं कि देश आज दुनिया के एक एक कोने से वहाँ लोग रिलीफ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला वहाँ पे जो हालात है उसे अल्लाह ताला उन लोगों को वहाँ से महफूज रखे, यही हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोकण में जहाँ पे भी चिपलोन है, महाड़ है, इन इलाकों में जहाँ पे ये हालात है वहाँ के लोग मदद करें। ये हमारे मुमरा मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन और डॉक्टर सोशल फाउंडेशन की टीम जो सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट और इतिहाद वेलफेयर ट्रस्ट के सपोर्ट से, एक कंट्रीब्यूशन से और डॉक्टर जितेंद्र रावत के मार्गदर्शन में, सपोर्ट में ये टीम हमारी जा रही है। हम लोग ये जो प्रोग्राम बनाए हैं ये शॉर्ट पीरियड का प्रोग्राम नहीं है। यहाँ हमारे साथ यहाँ से स्पेशलिस्ट भी जा रहे हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी जा रहे हैं, डायबिटीज स्पेशलिस्ट भी जा रहे हैं, एमडी फिजिशियन भी जा रहे हैं। तो हम सिर्फ वहाँ पे लोकल काम करने का इंटेंशन नहीं रखते, वहाँ पे जो सीरियस केसेस है वहाँ पे हमने एक सेटअप भी महाड़ में शॉर्टलिस्ट किया है, जहाँ पे जो भी केसेस जिनको एमडी फिजिशियन या डायबिटीज स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत होगी वैसे डॉक्टर्स के रहनुमाई में उनको वहाँ पे उनको सपोर्ट किया जाएगा, वहाँ उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही हम आज 12 डॉक्टर्स की टीम बनाए, जिसमें से 8 डॉक्टर्स आज हम जा रहे हैं, 4 डॉक्टर्स कल आएंगे, फिर 3 दिन बाद दूसरी 12 डॉक्टर्स की टीम बनेगी और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा ताकि ये महाड़ और चिपलोन जो एरिया सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ है वहाँ पर जो लोगों की अभी जो तकलीफ़ात है उनको किस तरह से हम हल कर सकते हैं। हम तो उनके दुख और दर्द को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको जो मरहम लगाने का काम हमसे हो सकता है वो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राउत साहब, मुमरा कौसा से जाने वाले डॉक्टरों के नाम? अब हमारे साथ डॉक्टर शबी सिद्दीकी है जो मुमरा के डायबिटीज स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर फारूक सुल्तान है जो फिजिशियन है, मुमरा के बहुत नामवर फिजिशियन है, डॉक्टर नूर मोहम्मद मापकर साहब है, डॉक्टर सैफुद्दीन मोतीवाला साहब है, उसके बाद डॉक्टर अलफारूक राउत है, उसके बाद डॉक्टर शफी अंसारी है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स है जो हमारे साथ अभी चल रहे हैं। और हमने इसके साथ ECG मशीन, ताकि अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम आ सकता है तो उनका ट्रीटमेंट के लिए हमने वो भी इंतज़ाम किया है। हमने एक पैथोलॉजिस्ट को भी साथ में लिया है जो डायबिटीज़ के लिए और जो इमीडिएट टेस्ट हो सकते हैं और हमको वो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो उसका भी हमने अपने साथ इंतज़ाम किया है। वो वहीं करके फिजिशियन के ओपिनियन के साथ उनके ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की और इमरजेंसी जितनी भी दवाइयाँ लगती है वो सब दवाइयाँ हमने ली है। और इसके लिए हमें जो मुमरा के डॉक्टर एसोसिएशन के मेंबरान हैं उन्होंने जो दामे दरमे सखने जो भी सपोर्ट किया है, मैं उन तमाम मेंबर्स को, हमारे एसोसिएशन मेंबर का शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी लोगों ने डोनेशन दिया है और ये डोनेशन की वजह से और इत्याद वेलफेयर ट्रस्ट और सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट के कॉपरेशन से ये एक मुहिम हमने शुरू की है। इंशाल्लाह इसको जब तक वहाँ पर हमारी ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह काम करते रहेंगे।